उदाहरण सात, यदि x बराबर a cos थीटा ऋण b sin थीटा और y बराबर a sin थीटा धन b cos थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 होता है। हल दिया है x बराबर a cos थीटा ऋण b sin थीटा। इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं और y बराबर a sin थीटा ऋण a sin थीटा धन b cos थीटा, इसे हम समीकरण दो मान लेते हैं। अब समीकरण एक व दो, समीकरण एक व दो का वर्ग करने पर, दो का वर्ग करने पर x की घात 2 बराबर कोष्टक में a cos थीटा ऋण b sin थीटा कोष्टक बंद की घात 2, उसी तरह से y की घात 2 बराबर कोष्टक में a sin थीटा धन b cos थीटा कोष्टक बंद की घात 2। अब ये जो समीकरण ऊपर वाला x की घात 2 वाला समीकरण है, इसको हम हल करेंगे। तो x की घात 2 बराबर, इस पे हम सर्वसमिका लगाएंगे, a ऋण b की घात 2 बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा a की घात 2 cos की घात 2 थीटा धन b की घात 2 साइन की घात 2 थीटा ऋण 2 ए बी कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। इसे हम समीकरण तीन मान लेते हैं। उसी तरह से हमें वाई की घात 2 नीचे वाली समीकरण का कहीं हम इसमें दाएं पक्ष में सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा y की घात 2 बराबर a की घात 2 साइन की घात 2 थीटा धन b की घात 2 कॉस की घात 2 थीटा धन 2ab साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। इसे हम समीकरण चार मानते हैं। अब समीकरण तीन व चार को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा, यहाँ इसका बायां पक्ष है x की घात 2, समीकरण तीन का बायां पक्ष x की घात 2 और समीकरण चार का बायां पक्ष है y की घात 2। इसको जोड़ेंगे हम तो x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर 1 की घात 2 cos की घात 2 थीटा धन b की घात 2 sin की घात 2 थीटा ऋण 2 ab cos थीटा गुणा sin थीटा धन a की घात 2 sin की घात 2 थीटा धन b की घात 2 cos की घात 2 थीटा धन 2ab sin थीटा
गुणा कॉस थीटा हमें प्राप्त होता है। या यहाँ पे हम एक ही घात दो को उभयनिष्ठ निकालेंगे इन दोनों पदों से, तो हमें कोष्ठक के अंदर प्राप्त होगा साइन की घात दो थीटा धन कॉस की घात दो थीटा। उसी तरह से इन दोनों पदों में से बी की घात दो को उभयनिष्ठ हम निकालेंगे तो कोष्ठक के अंदर साइन की घात दो थीटा धन कॉस की घात दो थीटा, और यहाँ पे ऋण दो ए बी कॉस थीटा गुणा साइन थीटा और धन दो ए बी साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि साइन की घात दो थीटा धन कॉस की घात दो थीटा का मान एक होता है, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे एक की घात दो गुणा एक, तो एक की घात दो मिल जाएगा धन बी की घात दो है और इसका मान एक होता है तो धन बी की घात दो। चूँकि हम जानते हैं कि साइन की घात दो थीटा धन कॉस की घात दो थीटा का मान एक होता है, तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि एक्स की घात दो धन वाई की घात दो बराबर ए की घात दो धन बी की घात दो। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि एक्स की घात दो धन वाई की घात दो बराबर ए की घात दो धन बी की घात दो, यह इस उदाहरण का हल है।